मोदी राम नहीं है, मोदी तानाशाह है। भारत की ये भोली जनता है, इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है इसने। उन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। मोदी जी जुमलाबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। किसानों के आय दुगनी, किसानों की दुर्दशा की मोदी ने आय दुगनी की, अडानी की, अंबानी की, जयसाकी की। अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला। मुझे एक बात बताइए भाई, जिस आदमी ने फेरे खा के अपनी घरवाली को छोड़ दिया वो इज्जतदार आदमी है क्या? राजस्थान में देखो, इस बार मोदी को पूरी तरह से परास्त करने का मन जनता बना चुकी है। इस मोदी के जुमले की सरकार को हम महिला ही इसको तक से नीचे उतारने का काम करेंगे। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, सारी उनकी जितनी भी गारंटियां सब फेल हो चुकी है। 15 लाख की बोला था, बहुत सारी मोदी जी ने बहुत सारी बोली, झूठी, सुबह से लेकर शाम तक झूठी। पहली बात तो 400 बार उनके कैंडिडेट नहीं हिंदुस्तान में, बीजेपी ने 400 बार मोदी जी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो 400 बार कहाँ से जाएंगे? अमेरिका में संसद में वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, भारत का युवा सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी जी समुद्र में तलहटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते। जनता सब जान चुकी है कौन कितना है, कौन कितना कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है। मोदी जी 400 पार वाले पानी, 400 पानी, 405 जनता में, राजस्थान में 15 सीटें आ रही है कांग्रेस की, कांग्रेस की 15 सीटें आ रही है राजस्थान में, कांग्रेस की 15 सीटें। मोदी जी का क्या होगा? एक मिनट रुकिए, इनसे बात करो। मोदी जी का क्या होगा? लोगों को गुमराह करते हैं, 400 का क्या होगा? मोदी जी जुमलाबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। मोदी ने आज तक जो भी योजनाएं की ना, वो एक भी योजना को ये नहीं किया है। और बेरोजगार महंगाई में आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी मोदी को 1% भी हमारे देश की सोच ये नहीं है, देश की ऊपर दया नहीं है। बेरोजगार इतना बेरोजगार हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नौटंकी बाजे मोदी कहे तो थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली नहीं। अरे 2 करोड़ नौकरियों के लिए बोला था, लेकिन एक तो जुमला है, कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार एक नंबर से। मोदी जी नहीं आएंगे मोदी जी, और ये कह रहे हैं कि 400 पार का जुमला है, एक नंबर का जुमला है इनका, कुछ भी नहीं 400 पार का, कुछ भी नहीं। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां वहां दिल्ली की सड़कों पे आंसू बहाए थे, मेडल रखे थे। देश के किसान सड़कों पे खड़े थे, उनकी कील रोपी थी। 750 किसानों का हत्यारा मोदी है। देश का नौजवान, किसान और महिला वर्ग और सभी है मिलके आज इसको मोदी को उखाड़ कर रहा, बोल रहे, कह रहे किसानों की आय दोगुनी करने आए थे। किसानों की आय दुगनी, किसानों की दुर्दशा की मोदी ने आय दुगनी की, अडानी की, अंबानी की, जयसाकी की। मोदी ने किसानों को रोड पे ला दिया, बर्बाद कर दिया किसान को, जवान को। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का भारत का डंका भी दिख रहा था ना, कि विदेशी देश कह रहे थे कि भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाया विदेशों ने, कि भारत के बचा रहे, लोकतंत्र को बचा नहीं रहे, लोकतंत्र का विनाश कर रहे हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान का विनाश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत इटला से ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं, एक वन मैन शो चाहते हैं देश के हर आदमी के साथ। तो रहे, एक अकेला सब पर भारी है, कोई टक्कर नहीं है, देश की जनता देगी। झूठ चल रहा है बिल्कुल। मोदी जी झूठ का जनरेटर है और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। उन्होंने न्याय, अगर न्याय की बात करें तो पुलवामा का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर हम तलाशेंगे तो मोदी की पूरी कार्यकारिणी, मोदी के लोग पुलवामा में इसमें पूरे शामिल हैं। ये घटना सारी मोदी और अमित शाह की है। बताओ, अब की बार 400 पार, अब की बार तड़ी पार, अब के तड़ी पार है। और 400 पार तो छोड़ो, 200 भी नहीं आएगी इसकी, 100 सीटें भी नहीं। तड़ी पार, जिंदाबाद, 400 पार, अब की बार राहुल गांधी सरकार। ये सिर्फ 150 पे रह जाएंगे, क्योंकि इनके तो झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। एक झूठ को बार बार बोलो, ये झूठों के बादशाह हैं। क्या नाम हुआ? सरवण रणवा। कितनी उम्र आपकी? 60 साल। 60 साल की उम्र हो गई। ऐसा प्रधानमंत्री देखा था? कैसा देखा तो नहीं था, अभी देखा है ना, 10 साल में देश को डुबो रहा है। अपने बात पे कोई सही नहीं रहे उसको क्या कहें अपन? बताओ आप, सही काम नहीं हो रहा? नहीं, क्या सही किया ये बता दो, 5 काम बता दो आप मेरे को। कह रहे शौचालय बना दिया, रोड बना दी, सबको घर दे दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। शौचालय से पेट भर जाएगा? 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? शौचालय से आपका पेट भर जाएगा? मंदिर में पूजा करने से परिवार चल जाएगा?
बताइए। अरे भारत का डंका बज रहा है कहाँ? खुद की पीठ थपथपा पालो ना, क्या तकलीफ है? भारत का डंका बज रहा है इनका। तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हो गई। 55 रुपए का डीजल 95 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 75 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 400 का सिलेंडर 1200 में कम हो गई। विकास भी कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्या विकास हुआ बताइए? आप 5 काम विकास बताइए मेरे को। मोदी जी, इतनी सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। बिल्डिंगें कहाँ बनी? कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई? अपने कपड़े जरूर सिलवा लिए, 10 लाख का सूट वो जरूर कर लिया। जनता के लिए किया है ना। 70,000 करोड़ का जो ब्लेम लगा रहे थे उसको अपने पाले में बैठा लिया। जनता के लिए किया ने, इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पैसे ले लिए। क्या हो रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी अपने पास बुला रहे हैं। पहले कहते थे किसी में इतना मेरा ताप सहन करने की शक्ति नहीं है। मोदी जी पहले कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को मेरा ताप सहन करने की शक्ति नहीं है। कोई कहता है ना कि ये चोर है, वो खुद चोर होता है। माहौल बहुत अच्छा है, जनता में अंडरकरंट है और मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी की जो नीतियां हैं, झूठ सामने आया मोदी जी का। ये जो देश को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं 10 साल से, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया है और गरीब तबके को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, तो सब लोगों के समझ में आ गया कि मोदी झूठ बोलता है। और एक माइंड मेकअप करके जिस तरह से इन्होंने वोट लिया है, अब जनता समझ गई है, अब इसके बहकाव में नहीं आएगी। ये कह रहे कट्टर ईमानदार सच्चे नेता हैं, झूठ नहीं। मोदी जी तो झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, सारा ही झूठ बोल रहे हैं। झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं मोदी जी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का कहा था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे, आज तक रोजगार नहीं मिला। डीजल पेट्रोल 35 करने की बात थी, वो 100 के पार हो गया। गैस सिलेंडर में लूट रहे हैं आदमियों को, जो इनके दोस्त हैं इनको मीडिया चैनल खरीद रखा है। लोगों को मोबाइल रिचार्ज में लूट रहे हैं ये लोग। टीवी में एक एक घर में कोई टीवी है, उसके रिचार्ज को महंगा कर दिया। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो सारी महंगी हो गई है। आम आदमी का जीना दुसार हो रखा है। मोदी जी फिर कैसे कह रहे हैं आपकी बार 400? मोदी जी तो इसलिए दिए, जो मीडिया का माइंड मेकअप है। पहली बात तो 400 बार उनके कैंडिडेट नहीं है हिंदुस्तान में। बीजेपी ने 400 बार मोदी जी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो 400 बार कहाँ से जाएंगे? 400 तो उनके कैंडिडेट ही नहीं है, 400 ये पूरे हिंदुस्तान में। ये जुमला है, लोगों को माइंड मेकअप करना है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है उनका, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी 150 के पार सीटें नहीं जाएंगी नरेंद्र मोदी की, और गठबंधन जीतेगा। और ST, SC, मूल OBC और किसान और मजदूर बेरोजगार 85% है हिंदुस्तान में। उनके लिए कुछ नहीं, कॉरपोरेट जगत के लिए ये कुछ कर रहा है अपने लिए। पहले गुजरात को बेच कर, अब हिंदुस्तान को बेच के खा रहा है प्राइवेट। हाँ, संविधान को भी आने वाले टाइम में आपकी बार जीत कर संविधान को खत्म कर देगा। अभी कांग्रेस का जो आज न्याय पत्र जारी हुआ है, इससे उम्मीद है आपको? एक तरफ मोदी गारंटी, एक तरफ न्याय। 1% है, 1% उम्मीद है। कांग्रेस को हमने 1968 से देखा है, जब 1968 में मैं जन्म लिया था। मैंने जन्म तो 1955 में लिया था, लेकिन मैं 1968 से राजनीति में हूँ। तो कांग्रेस से उम्मीद है आपको? कांग्रेस 101% उम्मीद है। ये जुमलेबाज नहीं, झूठे नहीं है। और वो जैसे राहुल जी बोल रहे ना कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, नहीं पराजित नहीं होता। आपकी बार ये बगेगा और नीरव मोदी की तरह और माल्या की तरह इसको बगने भी नहीं, यहीं जेल में डालेंगे मोदी को 101%। देखिए, अत्याचार की तो अगर डेफिनेशन दें तो खत्म हो गए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हुए हैं उनके लिए शब्द ही नहीं है। सबसे पहले तो मोदी जी की मिसेस की बात कर लूँ, उन्होंने छोड़ा। हमारी ये सनातन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सनातन की बातें करते हैं ये लोग, और सनातन का हमारा डेफिनेशन क्या है? सनातन की डेफिनेशन तो हमारी सीधी सी यही है ना कि अगर मदर की डेथ हुई है तो जो बड़ा बेटा है वो दाग देगा। 3 दिन सिटिंग पे रहेंगे वो लोग, बैठक पे रहेंगे, बाल मुंडवाते हैं। कौन से सनातन की बात करते हैं वो? जिस राम के बारे में आप और हम सब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं कि राम हमारा सबका है, उस राम को उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और आप विराजमान हैं। कौन सी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं? अभी जो एक मेमोरी की आप लोगों के सारे कुछ मीडियाज लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया से मिली है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सबको दूल्हे बना दिए और एक महिला खड़ी कर दी दुल्हन। स्वयंवर का समय है क्या? ये क्या है? कौन सी शक्ति है? किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? आधी आबादी हैं हम लोग, इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हमारी पार्टी ने जो 1 लाख रुपए देने की बात की है वो 101% देंगे, उन्होंने आज तक जितने वादे किए। 25 लाख का चिरंजीवी योजना था हमारा जी, महिलाओं की बेइज्जती। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक बात बताइए भाई, जिस आदमी ने फेरे खा के अपनी घरवाली को छोड़ दिया वो इज्जतदार आदमी है क्या?
मैं व्रत करती हूँ, नवरात्रे करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो एक रिगार्ड होना चाहिए इन धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन के प्रति, उसमें इन्होंने क्या किया? राम जी ने फिर भी कम से कम ये किया था, सीता जी की मूर्ति तो बना के रखी थी। सवाल ये है कि मणिपुर में महिलाओं का शोषण हुआ, नग्न अवस्था में घुमाया गया, मोदी जी चुप रहे। देश की महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के नेता ने बलात्कार किया, शोषण किया, मोदी जी चुप रहे। लेकिन आपको माताएं बहने कहते पैर छूते हैं आप लोग कौन? देखो मारी बात सुनो, ये नाटक करने वाला आदमी है ना, अट्ठे तो कहीं और है, अट्ठे तो कहीं और है और अट्ठे कहीं और चले। लुगाई थोड़ी कामरी है, इकने 10-20 वोट है। अरे माता राम, अरे बेटा तू मेरी बेटा है, कुछ नहीं है, सब दिखावा है। वो 36 इंच का जो सीना है ना, जो 56, मैं तो 36 बोलूंगी, मैं तो उसमें से 20 माइनस करूंगी, क्योंकि 56 का सीना होता ही नहीं है। 36 और 38 तक ही आगे स्टॉप नाप लो। आप भी अपना फीता लेके, अभी खड़गे जी ने बोला ना कि फीता लेके नाप लो, मैक्सिमम 38, गणो ही गणो, कोई बहुत ज़्यादा चौड़ो आदमी है तो 40 इंच को लो, बिरु ज़्यादा चौड़ो सीनो होगा को नहीं। और वो फालतू की बात करता है कि चौड़ो 56 इंच को सीनो, 15 लाख ले लो, महिलाओं की बेइज्जती ले लो, कौन सा ऐसा काम है? इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लो, जैसे अभी इसने बोला अशोक ने। मुझे एक बात बताइए, आज मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा प्रॉफिट सपोज करो 5 लाख है, तो क्या मैं उसको 5 करोड़ का चंदा दे दूंगी क्या? अरे वो तेरे ही जो नोटबंदी की थी ना तूने भाई, 8 नवंबर 2016 को, वो जो 2 नंबर का रुपया था ना, उसको तूने 1 नंबर में किया और कुछ भी ना किया। 100 और क्या, 100 दिन का मौका दे दो वरना मेरे जूते मारना, यही बोला था ना। GST लागू करी तब, आज क्या स्थिति है? गर्ल्स एजुकेशन ले लो, चाहे एजुकेशन, एक छोटी सी बुक अगर खरीदने चाहते हो उस पर 18% का टैक्स लगता है। चोरियां करनी तो तुम खुद जानबूझ के सिखा रहे हो। मोदी जी ने इस देश की हालत खराब कर दी, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी है। ये कहते हैं अनाज मैं दे रहा हूँ 80 करोड़ को, मैं दे रहा हूँ। अरे ये तो सोनिया गांधी की देन है, जिस जो जब प्रस्ताव लाए थे लोकसभा में तो बेहोश हो गई थी सोनिया जी, बेहोश हो गई जब ये प्रस्ताव आया था। उन्होंने ही ये राशन और ये कार्ड, जितने भी आइटम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सब सोनिया गांधी की तरफ से। भारत की ये भोली जनता है, इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है, इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह इस देश को कि नैया को डुबो देंगे। मोदी और अमित शाह देश को आगे ले जाएंगे, देश को डुबो देंगे, क्या आगे लेके जाएंगे? ये कहते हैं, मैंने ये ईडी लगाते हैं, अरे जिसने ये ईडी लगाते हैं, CBI लगाते हैं, किस पे? नेताओं पे, कि कोई बोल नहीं सके, लोगों की आवाज बंद कर दी। कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ ईडी और CBI कार्रवाई कर रही, इसमें गलती क्या है? मैं ये पूछता हूँ, मैं ये जो अमित शाह है उसका लड़का क्या कर रहा है? CBI का सेक्रेटरी है। अरे मैं पूछता हूँ वो क्या कर रहा है देश में इस वक्त, आपको मालूम है? बीजेपी के एजेंट खड़े हैं, हर जगह एजेंट है बीजेपी के, है इस देश की नैया डुबो दी इन्होंने। हाँ एक दो काम कर दिए तो, जिसमें रावण हो रहा है ये, है बादशाह हो रहा है हिंदुस्तान का, कांग्रेस ही नैया पार करेगी इस देश की, नहीं कोई नहीं कर सकेगा। तो लड़ाते, अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, आपस में खून को लाते हैं इनका, है ये क्या कर रखा है इन्होंने देश में, देश के लोगों को अंधा और बहरा ये बना रखा है। RSS के लोग क्या करते हैं, है अरे ये मुसलमान है, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, है दोनों का खून तो एक है, अरे लाल खून एक है, है ये मुकाबला करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों से मुकाबला करेंगे क्या? अरे कांग्रेस इनकी जड़े उखाड़ के फेंक देगी। शाह कहते हैं मंचों से जाके कि 24 का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में टॉर्च ऑन करना, कांग्रेस टॉर्च ऑन करने पे भी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की। देखो मेरी बात सुनो, क्या माहौल है साहब? ऐसा मोदी जी है ना, जाति के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, लेकिन धर्म को जाना नहीं। धर्म को जानने का मतलब है, धर्म एक परमात्मा ईश्वर अल्लाह, उसी को धर्म कहते हैं। और जितनी भी ये जो धर्म संप्रदाय, मुस्लिम धर्म प्रचारक संस्था, हिंदू धर्म प्रचारक संस्था, ईसाई धर्म प्रचारक संस्था, ये बताइए, मुझे ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें स्वाभाविक है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हाँ बिल्कुल, वो सही करें, कैसे करें, जो 400 के ऊपर ऊपर की सीटें हैं ना, ये 100
और 43 सीटें वो ले सकते हैं अंडर 400 इंडिया गठबंधन की होंगी, अंडर 400 सीटें इंडिया गठबंधन। मोदी जी ने कहा था 15 लाख, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, सबको घर मिलेगा। बेरोजगारी खत्म हुई भाई साहब, ना 15 लाख खातों में आए, ना हमारी गरीबी मिटी और ना किसान को दुगनी आय हुई और ना भाई बेचारा बेरोजगारन को मजदूरी मिली है कि नहीं। तो जनता मोदी की सरकार से संतुष्ट नहीं है। बहुत बहुत मोदी जी के लिए धन्यवाद और हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी विदाई लें और इंडिया गठबंधन की सरकार को आने देना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी है जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहां पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे? वो झूठ बोलने के अलावा जैसा अभी खड़गे सामने का कुछ नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, देश की मेहनत जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते। मैं आज हमारे राजस्थान को बताता हूँ, केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया? एक काम नहीं किया। इस बार के हालात तो आप मान के चलो ये है कि इनको 200 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आम जनता समझ चुकी है, आम जनता ये जान चुकी है कांग्रेस का हाथ ये मुट्ठी बंद करके, जो पांच हमारे कांग्रेस नेता जो 5 मुद्दों पे बात करते हैं, नारी के साथ, युवा के साथ, बेरोजगार के साथ, मजदूर के साथ, आज किसानों के साथ है। युवा आज जाग चुका है, युवा देश के साथ है और ये परिवर्तन इस बार होके रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन मोदी जी इस तरह से जुमलों की बारिश कर रहे हैं, मोदी जी जहां जा रहे हैं नए नए वादे, नए नए जुमले, उससे कैसे लड़ेंगे? कोई नहीं लड़ेगा। जुमले जनता समझ, लड़ने जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज उमरेबाज जान चुकी है सब। अगर एक बंदा आदमी को, राहुल गांधी ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का, आजाद भारत का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। बिल्कुल वसूली रैकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं बहुत क्लियर सी बात कह रही हूँ कि मेरा अगर प्रॉफिट 5 लाख का है साल का, मेरे 5 लाख के साल के प्रॉफिट पर अगर मैं उनकी खेमे में हूँ, वॉशिंग मशीन में मैं पहुँच गई, तो मेरे को उन्होंने बताया क्या किया है? अंदर की बात जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरे को उन्होंने 10-1 करोड़ रुपए दे दिए, 20 करोड़ रुपए दे दिए और बोला इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद ले। ये सारी नाटकबाजी इनके 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर करने का है, तभी तो अब तक छुपा के रखा। ताना शाही हम तो शुक्र गुजार हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्र गुजार हैं, सैल्यूट मारते हैं इस जन्म में नहीं, हजारों जन्म में मारेंगे कि चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, कम से कम कुछ किया तो सही। आपकी और हमारी जो चीजें हैं, मोदी तानाशाही ला रहे हैं, तानाशाही ला क्या रहे, लाने नहीं देंगे उनको, ला क्या रहे हैं ना, बने हुए हैं ना। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की बात अगर करें तो गारंटी कौन देगा? बीजेपी, मोदी जी या कांग्रेस? मैं वही कह रही हूँ, वो क्या बोलता है, मोदी की गारंटी है। अबे तू है क्या चीज यार, तो तेरी गारंटी, तू है कहाँ खड़ा ये तो देख, कम से कम तुम भाजपा के हो ये तो बोलो कि भाजपा की गारंटी है, अकेले मोदी जी की गारंटी है? कह तो रहे एक अकेला सब पे भारी, कुछ नहीं, डर है, जिसको डर लगता है ना वो नाटक करता है और कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये तड़ी पार थे शाह साहब, थे जस्टिस लोहिया का पता चला गया, कहाँ मारा और कहाँ किया और गांव में क्यों भेज दी उनकी लाश को, क्यों भेज दिया है? लंकेश गोरी आज तक पता चला क्या? गुजरात में खुद उनके लोग स्वीकार नहीं करे, हर गली मोहल्ले में पोस्टर लग रहे हैं कि बीजेपी इस गली में वंचित है, इस शहर में नहीं आएगी, इस गांव में नहीं आई। जब धर्म की हानि हुई है तो महिला ने अपना हर, कभी दुर्गा कभी काली कभी चंडी कभी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपनी भूमिका निभाई है। तो इस बार भी इस मोदी के जुमले की सरकार को हम महिला ही इसको तक से नीचे उतारने का काम करेंगे। कहता है कि मैं नौजवानों को 2000 रोजगार दूंगा, वो नौजवान सड़कों पे मांग रहा है भीख के, मुझे नौकरी दे दो नौकरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी सड़क पर नंगी घुमाई जाती है तो वो उनके कान पे जूं तने ग्रह। कहता है हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की आय दुगनी हो गई, वो किसान बेचारा बैठा है उसके लिए किले बिछाई जाती है, उनको बंदूकें चलाई जाती है।
कहता है हमारे साथ सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि इनकम बढ़ गई है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हर धरातल पे एक भी उसके वादे झूठे आया था कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का लाल हूँ, खाली अडानी अंबानी का दलाल बन के रह गया। किसान गरीब बूढ़े को चाहिए दवाई, बुजुर्ग को चाहिए दवाई, युवा को चाहिए कमाई, बुजुर्ग को चाहिए दवाई, युवा को चाहिए कमाई, बच्चों को चाहिए पढ़ाई और किसान को चाहिए सिंचाई। ये चारों बातों में, भारत की चारों बातों में सच्चाई, पर केंद्र में बैठी है भाजपा ही और उसकी एक भी बात में सच्चाई नहीं, वो खाली फेंकता है जुमलाई, आज जुमलाई, कल जुमलाई, परसों जुमलाई। तो जुमलेबाज को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे? बिल्कुल, जुमलेबाज को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस के अलावा भी अदर जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें भी जो नेता देश की सेवा करने के लिए और जिस पे लोगों का विश्वास है वो सब मिलके काम करेंगे। खाली कांग्रेस का नहीं इस बार, खाली कांग्रेस का नहीं इस बार, गठबंधन के साथ सभी जो सब समझदार युवा है वो सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और देश की जनता की जो हाल बेहाल किया है उसको सब मिलकर हम कांग्रेस में दे दूं। सीकर गठबंधन जीतेगा, नागौर गठबंधन जीतेगा, दो तो नोट कर लो, बाकी सर्वे कर रहे हैं, बाकी युवा है क्या माहौल? जोधपुर भी, जोधपुर भी बोलेंगे, तीन जगह मोरिया बोलेंगे, चूरू, नागौर और सीकर। क्या युवा है, क्या माहौल है, कब किसके साथ जा रहे हैं? जब वो आया उसकी ईमानदारी का बड़ा शोर था, पता चला 10 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। चोर है मोदी, चोर है, चोर है, चंदा चोरी नहीं किया, चंदा चोरी नहीं किया, चंदा चोरी नहीं किया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, कट्टर ईमानदार कौन है, ईमानदार है, कैसे बोल रहे हो आप, चंदा चोरी नहीं की। कोरोना में जब लोग बाग गंगा में लाशें तैर रही थी, गंगा में, गंगा नदी में सब लाशें तैर रही थी, तब उस टाइम वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा उसने सौदा किया, बॉन्ड खरीदवा। युवा है, नौकरियां मिली, 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ छोड़ के 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली। आप कांग्रेस वादा कर रही नौकरियां देंगे, उम्मीद है कांग्रेस पे? भाई साहब कांग्रेस पे हमें विश्वास है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। ये बिल्कुल सही है, इसी जमीन पर खड़े रहेंगे क्योंकि कांग्रेस की जो नींव है ना, और नींव मजबूत होती है ना तो कंगूरे अपने आप चमकते। मोदी जी कह रहे हैं कि इन सारे भ्रष्टाचारियों को, विपक्ष वालों को जेल के मुहाने पे ला दिया, अब की बार तीसरी बार सरकार बनाओ, जेल में सरकार, और जिस ईडी के छापे मारे वो सारे के सारे कांग्रेस में चले गए, वो राजस्थान गए, हमारे राजेंद्र यादव जी को ले लो और ले लो, सारे के सारे वो वहां जाते ही सारे वॉशिंग मशीन हो गए, सारे वॉशिंग मशीन में। क्या इस देश में विपक्ष को शामिल कराओ, वॉशिंग मशीन में धुलो, बीजेपी का नेता क्यों बने? वो लोग बनेंगे जिन्होंने बेईमानियां की, वो लोग बनेंगे जिन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई ऐसा। हाँ बिल्कुल राइट, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, कह रहे थे कांग्रेस मुक्त। देखो इनका कोई अपना तो प्रोडक्शन है नहीं बीजेपी का, इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, पिछला इतिहास उठा के देख लेना 70-75 साल का, इनके अंदर जितने लोग हैं ना 1% भी बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं है, सारे प्रोडक्ट कांग्रेस ही है। इंदिरा गांधी जी एक बार ट्रेन में जा रही थी तो कोई एक जिक्र चला था कि साहब वो फला बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी अपनी, तो पता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सफ़र है ये, 2 उतरेंगे 20 कारवा चढ़ेगा, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी, कांग्रेस की नींवें बहुत गहरी हैं, हाथ बदलेगा 101%। और एक चीज़ और, कल का फैसला आया है वीवीपैट का, मिलान कराओ है ना, मिलान कराओ, पर्ची कराओ, ठीक है 50% नहीं 100%, 100% नॉट 50%, 100% का फैसला आया है कल का। मुझे आप एक बात बताइए, मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर ईवीएम हट जाती है, ये 150 सीट ले आए ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए इसके कपड़े धोने को तैयार हूँ, मोदी के जी हाँ, सैल्यूट मार के कपड़े दूंगी कि तू 150 सीट लिया, ईवीएम हटा के मैं मान जाऊंगी। हटेंगे नहीं, और 400 पार की बात, किसा 400 पार सपना, मेरी बात सुनो, वो सपने में आदमी बोलता है ना कि यार मैं कहीं करूँ, 5 गाड़ियाँ खरीद लूँ, मुंगेरी लाल के सपने, ईवीएम हट गया ना तो इनकी 150 सीट भी नहीं आनी। हमारे राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा है, उस चीज़ को हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हम भी जानते हैं, ये मोबाइल मेरे पास है, खड़ा है ना आपके सामने ना, ये फिक्सिंग ये है ना, इस फ़ोन को अभी थोड़े दिन पहले आपका इस वो सारा एबी वगैरह हैंग नहीं हो गए थे, कर दिया था ना, तो ये क्या चीज़ है यहाँ से। स्मृति रानी कैसी? स्मृति रानी तो सिलेंडर आजकल लेके बैठती नहीं, क्या करें उसका, चूड़ियाँ उन्होंने हमारे मनमोहन जी को पेश कर दी, तो भैया तू थाल ले, मोदी ने भी तो दे दे यार, उज्ज्वला कनेक्शन चालू किया उन्होंने ठीक है,
अब उज्ज्वला कनेक्शन की अंदर की बात तो आम पब्लिक को पता ही नहीं है। आपकी डेफिनेशन है घर की औरतों को दो। आपने एक बार सिलेंडर दे दिया, क्या दिया? सिलेंडर फ्री दिया, और उसके बाद में जो सब्सिडी का पैसा था वो उनके खाते से जमा हुआ है। मैं गैस एजेंसी की मालकिन हूँ, मुझे पता है अंदर क्या लफड़ा है, गड़बड़ चल रही है सर। 101 हिसाब किताब महिलाएं करेंगी, महिलाएं किसके साथ? महिलाएं तो देखो, अब मैं एक सवाल करती हूँ, आप किस जाति को? मुझे नहीं पता, ठीक है। मुस्लिम ही किसकी होती है? मुसलमान की। पुरुष की? जनेऊ कौन पहनता है? पुरुष। औरतों का तो कुछ नहीं है, राजा रे लारे गई जी को रानी और बिर लारे गई जी को बेगम, यही है ना। तो हम औरतें किसकी बेटी? फलान जी की। किसकी बीवी? फलान जी की। उसके बाद में हम महिला शक्ति सब एक है, हमारा कुछ नहीं होता। हम महिलाएं, गिरजा जी एक बार इलेक्शन हार रही थी, 3 मिनट का भाषण दिया था, वो जीत गई थी, सिर्फ यही बोला था, कहते आदमी लुगाए बावड़ी हुई हो कहीं, और लुगाई खड़ी हुई है ना, जितना जुतू दिया था सगड़ी की सगड़ी, जाऊँ जयपुर से गई उदयपुर जी तो वो जीत गई। कुछ नहीं है, महिलाएं अभी तक अपने पति कहें या अपना बेटा कहें, उनके कहने में इसलिए कि एजुकेशन नहीं है अभी, जितना सेल्फ डिसीजन, जितने सेल्फ जो कुछ करना चाहिए तो बदलाव आएगा, वो अभी हुआ नहीं। बार मन बना रही है आपकी बार मोदी जी को गुजरात भेजेंगे? बना रहा क्या है, बन चुका है, इसको गुजरात में, मेरी बात सुनिए, गुजरात में इनको सीएम भी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल विदाई होगी इस बार, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, और हम तो मोदी जी जो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं 400 पार, हम तो कह रहे हैं हमारे विकास का हिसाब तो दो। जो बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके बेस पे वो 400 पार करेंगे क्या? कैस किस बेस पे करेंगे 400 पार? वकील हैं जी, वकीलों के ऊपर आजकल वकील भी 600 वकील मोदी जी के उसमें पत्र लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सब गलत चल रहा है देश में, विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा है कि पार्टियां हैं देश के अंदर, कांग्रेस में ऐसे वकील हैं जो न न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं न प्रशासन को प्रभावित करते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसे वकील हैं, एक वकील तो वहाँ लंदन में बैठा है और वो सरकार की पैरवी करता है, और वो अपने दोस्तों के द्वारा एक पत्र लिखवाता है और लिख रहा है कि साहब सरकार को इसको जुडिशरी को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रभावित, वो नाम बताएं ना, और कहाँ कर रहा है? तो ये झूठे पत्र लिखने से, कोई ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने से ये बात सत्य थोड़ी हो जाएगी, कहीं कोई प्रभावित किसी को नहीं कर रहा है। जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर रही है। आज हमारा चीफ जस्टिस है, उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को अवैध घोषित किया, उसके बाद इनको कहा हिसाब दो, इन्होंने हिसाब नहीं दिया, और उन्होंने जब हिसाब मांगा तो आज देश के सामने आ गया कि किन लोगों ने इस बीजेपी को चंदा दिया। सुनिए मेरी बात, मैं पूरी करता हूँ। 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा ले लिया, उसके बाद ये क्या करते हैं? कहते हैं ना कि पूरी जयपुर इसमें इंडिया के अंदर कांग्रेस को हम खत्म कर देंगे। पिछले आप 10 साल का 15 साल का इतिहास देख लीजिए, 14 से लेके 19 तक 28 चुनाव हुए, जिसमें 5 पार्लियामेंट के चुनाव हुए और 26 हुए आपके MLA के, इनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, सारे विपक्ष के लोग जीते, सिर्फ एक नारायण वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का टूट के इनके पास चला गया, वो जीता। तो यदि इनमें इतनी शक्ति है तो फिर ये लोगों को तोड़ते क्यों हैं? कांग्रेस तो किसी को नहीं तोड़ती है, कांग्रेस में रह के लोगों ने जिंदगी निकाल दी, और आज वो ये कहते अरे साहब हमारी बात नहीं सुनते। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे अभी 5 लोग यहाँ पे, गौरव वल्लभ और 3-4-5 ये लोग जो प्रवक्ता थे, इनको राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने पूरा देश सौंप रखा था कि आप हमारी नीतियां जनता को बताओ। गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट दी, हार गया, अब हारने के बाद भाग गया वो हमारे पास से, क्यों? बीजेपी को बनना चाहते हैं। सुरेश पचौरी, आपको बता रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, 5 बार वो वहाँ पे मिनिस्टर रहा, और आज ये कहता है साहब मेरा मन बदल गया। अरे मंदिर में जाने से कौन किसको रोकता है? हमने तो हमारे घर में राम जी का मंदिर बना रखा है। राजस्थान में देखो, इस बार मोदी को पूरी तरह से परास्त करने का मन जनता बना चुकी है। जिस तरह से तानाशाही और जो जितनी भी संस्थाएं उनका दुरुपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे लोगों के मन में भारी रोष है। इस बार मोदी कह रहे हैं 25 में से 25 है कि मुझे तो लगता है यहाँ एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। देश भर में 4 नहीं, कहीं आसपास ही नहीं, 200 सीटें इनकी नहीं आएगी। ये फालतू माहौल बना रहे हैं। यदि इनकी सीटें 400 पार होती तो ये क्यों
ईडी का इनका डर दिखा के या जितने भी पार्टी के जो करप्ट लोग इनको मिल रहे हैं उनको लाला के क्यों टिकटें दे रहे हैं? यदि आज उनका मैजिक है, उनकी जीत यदि 400 पार है, तो उनको ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये सही कह रहे हैं मोदी जी, 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 70 साल में कभी भी वकील और जज जेल नहीं गए, लेकिन अब हो रहा है। जो वकील ईमानदार हैं, जो जज ईमानदार हैं, जो अधिकारी ईमानदार हैं, वो जेल में जाएगा। जो उनके लिए पैसा होगा कि वहाँ बंडल दे के आएगा, वो फैसले करेगा, वो राज करेगा। मोदी का परिवार तो मेरी बात सुनो, 5 लोग हैं, अडानी, अंबानी और आजकल 2-3 व्यापारी और आगे बढ़े। वो वहाँ से क्या करते हैं, 2 लाख का तो उनका प्रॉफिट होता है सालाना, और 2 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड देते हैं। तो वो ईमानदार हैं, क्योंकि प्रॉफिट 1 नंबर में उनका 2 लाख का है। लेकिन उनको जो चंदा 2 करोड़ दे दिया, उसकी कोई जाँच नहीं है। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्या इसमें जाँच हुई? किसी पे FIR हुई? किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? ED ने नहीं बुलाया, CBI ने बुलाया, किसने बुलाया? कोई सवाल जवाब नहीं।